था, उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है, ये किसान किसी जाति क्षेत्र संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है, और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे, जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और बहुत वो सरकार बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, अपना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी, जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट की हियरिंग में तक पे नहीं आए, उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है, मैंने कहा इस जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं दे कर सकते, ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है, कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे, किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। हाँ वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हमने ये भी, हाँ दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं,
जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती हैं, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती हैं, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या।